तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही लड़की का सीन दिखाया जाता है क्योंकि तो इससे पहले वाले एपिसोड पर न्यूली स्कूल पर आए थे, यानी उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि दोजी क्यों उसे पसंद नहीं करता है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है दोजी का सीन जहाँ पर वो उस लड़की को देख रहा था, और इधर हमें ये बात भी पता चलती है कि यहाँ पर एमके वायरस नहीं आया था, यानी वो 5 साल पहले का सीन है। और तभी दोजी को कोई बोल रहा था ये बहुत ही क्यूट है, और इधर दोजी सोचने लगता है ये लोग कैसा सोचते हैं एक लड़की को। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर स्कूल के ऊपर कोई यानी कुछ कर रहा था, और इधर हमें दिखाया जाता है दोजी मार खा रहा था उन सारे लोगों से जो कि दोजी को हमेशा ही मारते थे यानी बुली करते थे। और फिर इधर हमें दिखाया जाए वही येलो हेयर वाली लड़की का सीन जहाँ पर वो हंस रही थी, और इधर दोजी उसे पसंद भी नहीं करता है, यानी हमें पता चलता है कि दोजी उसे बॉडी हेट करता है। और ये सब तो तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा वोले हारम के सारे एपिसोड में। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही पिंक हेयर वाली लड़की आ जाती है जो कि न्यूली यहाँ पर आई थी, और तभी वो टेरिस पर आ जाती है यानी स्कूल के ऊपर आ जाती है जहाँ पर वो खाना लेकर आई थी, यानी कि वो खाना खाने वाली थी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आई थी, और तभी हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन इसके जो दोस्त है वो लोग बोलने लगते हैं क्या तुम ये भी यहाँ पर खाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर तो एक कुछ हो रहा है ना। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोल देती है मुझे क्या चाहता है, मेरा भूख है इसी वजह से मैं यहाँ पर ही खाऊंगी। और ये सब देखकर डोजी शॉक्ड हो जाता है, और तब से वो डोजी को पसंद नहीं आती है। और ऐसा होना भी था क्योंकि वो मार खा रहा था जहाँ पर उसने उसे देखते हुए भी कुछ नया बोल कर खाना खाने लगी। और टीवी में दिखाया जाता है वही वाला सीन होता है यानी कि प्रेजेंट का सीन होता है, और इधर डोजी टेरेस पर बैठा हुआ होता है। और अभी मैं बता देता तो कि ये नॉर्मल वाला वर्ल्ड ही है। और टीवी में दिखाया जाता है वो पिंक हेयर वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है, और इधर वो बोलने लगती है कितने दिनों के बाद डोजी हम मिले हैं। और टीवी में दिखाया जाता है वो बोलने लगती है अब तो पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो दोजी के बहुत पास आ जाती है, और जब वो बोलने लगते हैं हम लोग क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं है लेकिन हम लोग एक क्लासमेट है ना, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है दोजी बोलने लगता है तुम्हें यह पता है ना यानी कि जो स्कूल में तुम्हें बोला गया होगा कि किस वजह से तुम लोग यहाँ पर आया होगा यानी कि ले आया होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है दोजी एक भयानक सा स्माइल लेता है, फिर इधर हमें दिखाया जाता है यानी उसका नेम हसीनो है, यानी उस पिंक हेयर वाली लड़की का नेम हसीनो है। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है एक इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है पटेबी में दिखाया जाता है दोजी उसके पास से चला जाता है, और इधर वो बोलने लगता है तुमने जो किया उसके बाद भी तुम हेल्प चाहती हो मुझसे। और इधर वो वही वाला बात को बोलता है यानी कि दोजी को ये सब कुछ याद था, और इधर वो बहुत दुखी भी था ये सब को लेकर। और टीवी में दिखाया जाता है हसीनो का सीन जहाँ पर वो थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर इधर में दिखाया जाता है नाचो और इधर हीरा की एक साथ ही बातें कर रहे थे, जहाँ पर हसीनो वहाँ पर आ जाती है, और इधर वो बोलने लगते हैं क्या तुम लोग मेरा मदद करोगे। और टीवी में दिखाया जाए वो बोलने लगती है किसका यानी कि उसे कुछ यानी क्या मदद चाहिए, यानी कि वो बोल रही थी कि उसे जानना है दोई के बारे में यानी दोजी के बारे में उसे कैसे यानी कैसे तरह की लड़की आप पसंद है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों बोलने लगते हैं हम तुम्हें क्यों बताएं, तभी वो बोलने लगते हैं कि जिनने मुझे बोला है तुमसे पूछने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है नाचो बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात को लेकर, और इधर वो उसके पास आकर बोलने लगती है तुम इस स्कूल पर क्यों आए हो क्योंकि तुम 20 साल के ऊपर की हो है ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो क्योंकि तुम्हें तो पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी हो, और मैं भूल चुकी हूँ कि तुम हमारी कोई फ्रेंड हो यानी क्लासमेट हो। फिर इधर में दिखाया जाता है वो वहाँ से चली जाती है, और इधर वो बोलती है हिराकी को भी यानी कि वो बोलती है उसे एक साथ ही जाने को, और इधर वो दोनों ही चले जाते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है वहाँ पर अकेला आ जाती है, और इधर वो बोलने लगती है वो सब भी तुम्हारे राइवल है और मैं भी तुम्हारी राइवल ही बनूंगी क्योंकि तुम इतने सालों के बाद फिर से आ चुकी हो क्योंकि तुमने तो पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी हो तो तुम्हें क्यों आना चाहिए था। और इधर अखिला की बातों से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि वो सभी उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, और तभी वो बोलने लगते हैं वो सभी और मैं एक क्लास में है लेकिन तुम नहीं हो इसी वजह से तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता तो मुझे माफ करना लेकिन हम लोग कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फिर जब मैंने दिखाया जाता है वो वहां से चली जाती है, और टीवी में दिखाया जाता है हसीना थोड़ी उदास हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है किरिन का सीन जहाँ पर वो दोजी को बोल रहा था वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई है, और टीवी दोजी बोलने लगता है वो इतने पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी है तब भी वो क्यों आई है, और वो तो 20+ भी है यानी कि 23 ईयर्स होगा उसका तो वो कैसे आ सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है किरिन बोलने लगते हैं कोई इस जगह का रूल नहीं है क्योंकि ये स्कूल ही तुम्हारे लिए बनाया गया था तो यहाँ पर सब लोग आ सकते हैं, और उसने बहुत रिक्वेस्ट की वजह से
उसे यहाँ पर लाया गया है, फ्रीजर में दिखाया जाता है। डोजी देखता है हसीनो को और इधर वो बहुत दुखी दिख रही थी, फ्रीजर में दिखाया जाता है। एरिन बोलने लगती है, वो तुम्हारी एक जो तुम करते हो हमेशा ही उसका एक हिस्सा है और तुम्हें उसके साथ कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा ऑर्डर है, यानी कि UW के जो डायरेक्टर है उन्होंने ये काम उसे दिया है। तभी वो बोलती है, यानी केरिन बोलती है डोजी को कि तुम उसे एक चांस दो। फिर तभी हमें दिखाया जाता है, डोजी भी मान जाता है और तभी वो हसीनो को बुलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर हसीनो का सीन होता है जहाँ पर वो अंडरवेयर में थी और तभी हमें दिखाया जाता है वो बॉडी एम्ब्रेस फील कर रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और इधर वो नंगी थी यानी अंडरवेयर पहनी थी लेकिन इधर वो बहुत ही शर्मिंदा हो चुकी थी। फिर जब हमें दिखाया जाए दोजी और केरिन वहाँ पर आ जाते हैं और इधर वो बोलने लगते हैं, यानी कि केरिन बोलने लगती है तुम्हें ऐसा करने पड़ेगा, यानी कि आज का क्लास तुम्हें ऐसे ही बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं ऐसा क्यों, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है केरिन बोलने लगती है मैंने जो किया यानी मैंने जो बोला है तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। फिर जब हमें दिखाया जाता है वो भी मान लेती है और जब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत शर्माते हुए वही कपड़ों में ही यानी कि बिना कपड़ों के ही क्लास कर रही थी। फिर जब हमें दिखाया जाता है दोजी बोलने लगता है वो तुम आज के लिए मेरी हो, यानी कि आज के लिए तुम मेरी हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो शर्मिंदा फील कर रही थी जहाँ पर डोजी वहाँ पर आ जाता है यानी उसके पास आ जाता है तभी वो उसे किस कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वैसे भी शर्मिंदा थी और इधर वो फिर से कुछ सोचने लगती है। फिर इधर में दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पर डोजी हसीनो को स्कूल के टेरिस पर ले आता है और तभी वो बोलने लगता है तो हाँ मैं तुम्हारे साथ करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि तुमने उन लोगों से साथ डील किया है और तुम्हें तभी एक काम मिलेगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी कि हसीनो भी मान जाते हैं उसके साथ करने के लिए लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है तो हम लोग रूम पे जाते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है डोजी एक शॉकिंग न्यूज बता देता है कि वो यहाँ पर ही करेगा और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डोलर क्या आ जाते हैं और इधर हमें पता चलता है कि डोजी ये सब जानबूझ के किया था, यानी कि वो वही सजा उसे भी देना चाहता है जो कि उसने किया था। फिर तभी वो बोलने लगता है कौन किल करता है ये सब, हम डायरेक्ट ही यहाँ पर ही करेंगे। तभी उसे भी याद आता है कि उसने भी ये सेम डायलॉग ही बोला था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है इधर हसीनो का हालत ही खराब हो जाता है और इधर उसे करना भी पड़ेगा क्योंकि उसे वो जॉब चाहिए और इधर वो बहुत ही शर्मिंदे हुए ही वो कपड़े खोलने लगते हैं यानी जो कपड़े थे उसके वो भी खोल लेती है और तभी हमें दिखाया जाता है तभी नीचे गिर जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है डोजी का सीन जहाँ पर वो सोच रहा था वो तुम तो अभी भी फर्जी हो तो मैं इसे अच्छे से करूंगा। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डोजी उसके पास आ जाता है और टीवी में दिखाया जाए उसके बाद वाला टाइम यानी ये उस टाइम बाद का सीन जहाँ पर रात हो चुकी थी और इधर केरिन और डोजी का सीन होता है जहाँ पर डोजी बोल रहा था ये जो स्कूल है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और ये सभी मुझे बहुत ही एंजॉय मिल रहा है इस स्कूल पर। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोल देते यानी केरिन बोल देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और एक्साइटेड करना चाहती हूँ। तभी डोजी बोलने लगता है अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो तुम्हें कभी भी यानी कि मुझे कभी भी इस स्कूल से मन निकालना और टीवी वो बोल लेता है जो कि मैं भी सोचता था वही बात वो बोल लेता है कि क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने भी सोचा था कि अगर डोजी बोल दे कि वो उसके साथ करना चाहता है तो क्या होगा। फिर टीवी हमें दिखाया जाता है वो एंसर भी दे देती है कि वो तब भी करेगी क्योंकि ये उसका काम है। टीवी डोजी बोलने लगता है हाँ ठीक है लेकिन मैंने ऐसे ही पूछा था तुमसे। टीवी वो बोलने लगती है अगर तुम चाहते हो तभी मैं कर सकती हूँ और टीवी हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं यही डोजी बोलते हैं मैं किसी को सबक सिखाने वाला था हूँ यानी कि यहाँ पर कुछ किसी को सबक सिखाना चाहता हूँ और टीवी हमें दिखाया जाता है एपिसोड 1 का भी टाइटल आ जाता है यानी रिवेंज का टाइटल आ जाता है तो कुछ रिवेंज तो लेने वाला है डोजी क्योंकि यहाँ पर हसीनो है और इधर वो किसी और को भी रिवेंज देने वाला है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली सीन शिफ्ट हो जाता है रीटो का और इधर रीटो उसके साथ ही मारिया और अकेने और सुई एक साथ ही थे और इधर वो लोग ही एक बात को लेकर शॉक्ड हो रहे थे कि वो सभी यानी जो डॉक्टर थे वो सारी लड़कियां थी और इधर वो लोग बहुत ही जीनियस थे और वो सभी एक ही हॉस्पिटल से है और ये सब देखकर वो लोग शॉक्ड हो रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है रीता बोलने लगता है कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है मारे हुए बोल रहे थे तुम्हें क्या बोलना है जल्दी से बोल दो क्योंकि ये केस थोड़ा अलग ही बन रहा है। तभी और टीवी हमें दिखाया जाता है रीटो बोल देता है ये सारा जो MK वायरस है मुझे लगता है ये आर्टिफिशियली बनाया गया है इस ये हॉस्पिटल में। और टीवी हमें दिखाया जाता है सारे लोग शॉक्ड होते थे जहाँ पर डोजी बोलने लगता है क्योंकि इस वायरस का कोई सबूत नहीं है कि ये
डायरेक्टली इस अर्थ पर आ चुका था, लेकिन ये सबूत तो मिटा जा सकता है कि उसे आर्टिफिशियली बनाए और फिर से मिटा दे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। और तो सारे लोग इस बात को एग्री भी कर लेते हैं, लेकिन इधर उन लोगों को इसका इलाज भी ढूंढना पड़ेगा। तो भी अमेरिका से दूजी बोलने लगता है, हाँ मेरे पास इसका भी एक इलाज है। और तो भी वो सोचने लगता है, उसने एक के वायरस जो बनाया जा सकता है उसका जो डिटेल यानी रेसिपी उसके पास है, तो इसका उसे उल्टा बनाना है। उससे उसे पहले उसे एम के वायरस का कुछ सैंपल लेना होगा और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा जिससे वो इसका वायरस का एंटीडोट बना पाए। फिर इधर में दिखाया जाता है, उसके बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरी का सीन होता है, और इधर सारी लड़कियों का वो नाप रहा था, यानी कि बॉडी का कुछ नाप रहा था। और इधर में दिखाया जाता है अकीरा का बारी आ जाता है जहाँ पर डोई उसका सारा कुछ नाप देता है, और इधर वो बॉडी शर्मिंदा हो चुका था। फिर इधर में दिखाया जाता है वो बोलने लगता है उस नर्स से, यानी जो लड़की वहाँ पर थी यानी डॉक्टर थी, उसे बोलने लगता है मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि ये मुझे एक चांस दिया गया है कि मैं लड़कियों को छू पाऊँ और मुझे कौन सा अच्छा लगा है वो मैं ले पाऊँ। फिर इधर में दिखाया जाता है वो डॉक्टर बिस्तर पर आ जाती है, और इधर में दिखाया जाता है दूजी उसके पीछे कुछ दिख रहा था यानी देख रहा था। फिर इधर में दिखाया जाता है केरिन बहुत खुश होते हुए कहीं पर जा रही थी, और इधर दूजी भी उसके पीछे से जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा खुलता है एक जगह का, तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि तुम लोग शायद ये पहचान चुके हो, यानी कि वही लड़की थी जिसे दोजी पसंद नहीं करता था, यानी जो उसका जो उसे बुली करता था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका ये सीन होता है जहाँ पर दोजी बोलता है हे कितने दिनों के बाद हम मिले, और इधर दोजी का फेस कुछ अलग ही शोक हो रहा था, यानी वो कुछ अलग सा स्माइल लेता है। फिर टीवी में दिखाया जाता है वो लड़की दोजी को देखकर गालियां देने लगती है, लेकिन इधर दोजी और टीवी में दिखाया जाता है दोजी बोलने लगता है ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है, लेकिन तुम्हें कुछ चेंजेस अभी भी होना होगा क्योंकि तुम वही हो, यानी वही वाली पागल। और इधर में दिखाया जाए दूसरी याद करने लगता है वही सारी बातों को जहाँ पर उसे बुली किया गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर केरिन आ जाती है, और जब बोलने लगती है तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा क्योंकि ये UW का ही ऑर्डर है और तुम्हें उसकी बात को भी मानना पड़ेगा, तुम उसे डांट नहीं सकती ना ही उसे कुछ हर्ट कर सकती हो। और टीवी में दिखाया जाता है वो भी मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दोजी उसके पास चला जाता है जहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा था, और जब वो बोलने लगता है मुझे इस नाम से मत बुलाना। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे धक्का दे देता है, और जब वो बोलने लगता है क्या तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगा। और तभी वो बोलने लगते हैं तुम्हें मुझे करके मारना चाहते हो, लेकिन ये करने से तुम्हारा ये कुछ गलत होगा। फिर हमें दिखाया जाता है दोजी उसे खींच कर टॉयलेट में ले आता है, और इधर वो अपना पैंट खोल लेता है। और तभी हमें दिखाया जाए उसकी टांगों का सीन जहाँ पर उसकी चोट आ चुकी थी, यानी बहुत पहले का चोट है जो कि बुली के टाइम पर हुआ था। और जब दोजी उसे दिखाकर बोलने लगता है तुम लोगों ने जब मुझे बुली किया था तभी ये सब चोट आए, तो अब इसे चाटो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की मानती नहीं, लेकिन तभी दोजी बोलने लगता है तुम्हें याद है ना अगर तुम नहीं करना चाहती तो क्या होगा। फिर जब हमें दिखाया जाए वो उसे करनी ही पड़ती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है केरिन और वही हेड वाला सीन, यानी UW का कोई मेंबर का सीन जहाँ पर वो और केरिन एक साथ ही बातें कर रहे थे, जहाँ पर केरिन सब लोगों से बातें करने लगी थी, यानी कि वो बोलने लगती थी कि नंबर वन कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं नंबर वन तो अपने रास्ते में ही है और इधर वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन तभी वो बोलती है तुम्हारे जो दोजी है उसने बहुत लोगों के साथ करे है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी नंबर वन के पास आ चुके करने में। और तभी हमें दिखाया जाता है वो केरिन से बोलती है अगर नंबर टू किसी को प्रेगनेंट कर देता है तो वो लड़के हमें भेज देना क्योंकि हमें उसके ऊपर कुछ टेस्ट करने हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो भी मान जाती है, लेकिन इधर वो बोलती है क्या आप एक कोई लैब नहीं बना सकते जहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही टेस्ट कर पाए, लेकिन तभी वो बोलती है कि नहीं क्योंकि हमारे पास इतने कुछ खास इक्विपमेंट्स नहीं है। फिर अभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है यानी कि नहीं बोलती है तो नंबर टू का हालत कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है यानी जो मेंबर थी वो बोलने लगती है टू तो अपने एक्सपेरिमेंट में लगा है लेकिन उसका तो कुछ काम नहीं है, उसने किसी को भी कर नहीं पाया। फिर तभी हमें दिखाया जाए वो बोलने लगती है उन लोगों का हेड के बारे में जहाँ पर वही ये सब कुछ संभालती है सारा कुछ। और तभी हमें दिखाया जाए केरिन बोलने लगती है यानी कि हम लोग क्या सेव है इन सब में भी। तभी हमें दिखाया जाए वो बोलती है यानी मेंबर बोलते हैं हाँ तुम लोग तो सब लोग सेव हो क्योंकि तुम लोग गार्डेड हो। फिर ठीक है यानी कि केरिन बोलती है ठीक है, और इधर वो अपना जो कार्ड मिला रही थी उसे तोड़ देती है। फिर इधर मेरे कहा जाता है क्लास का सीन जहाँ पर सारे लोग शर्माते हुए किसी को देख रहे थे, हाँ ये दोजी का ही सीन होता है जहाँ पर बुल्ली किस कर रहा था और इधर सारे लोग उसे देख रहे थे।
फिर इधर अमेरिका से किरिन तो हंसी पड़ी थी, फिर इधर अमेरिका से था किरिन सोचने लगती है, उसे जो बोला था कि सारे लोगों को उसके साथ करने पड़ेगा और डोजी को जो पसंद आएगा वही रैंक में आ सकते हैं, तो सब लोगों को उसे प्यारा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जिसे डोजी ज़्यादा पसंद आए उसे ही डोजी करेगा। फिर इधर अमेरिका जाता है, वो एक लड़की के साथ कर रहा था और जब वो बोलती है क्या तुमने इतना अच्छा किस कैसे कर लिया, और फिर अमेरिका यहाँ से डोजी भी बोलने लगता है तुम ही बहुत खूबसूरत हो। और फिर इधर अमेरिका जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर नाचो का सीन होता है और इधर वो लोग स्विम करने के लिए आए थे, यानी कि डोजी भी आया था और इधर नाचो अपने कुछ दिखाने लगती है। फिर तभी अमेरिका जाता है सारे लोग बोलने लगते हैं नेक्स्ट टाइम डोजी के साथ कौन करेगा, इसका हम लोग फैसला करेंगे एक रेस के साथ, यानी कि स्विम रेस के साथ, और इधर सारे लोग आ जाते हैं। और तभी अमेरिका से वही छोटी वाली लड़की का सीन जहाँ वो बोलने लगती है कि मैं तो एक थंडर बोल्ट हूँ तो मैं इजीली इस कॉन्टेस्ट को जीत लूँगी, लेकिन तभी अमेरिका जाता है वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इधर वो गिर जाती है पहले राउंड में ही। और फिर इधर अमेरिका जाता है वहाँ पर अकीला आ जाती है और जो बोलने लगती है ये सब तो कैसे करते हैं, तभी दोषी बोलने लगता है क्या तुमने क्यों ज्वाइन नहीं किया। और तभी अमेरिका जाता है नाचो अकीला को एक आंखों से कुछ इशारा देती है और टीवी में दिखा देता है नाचो भी उठ जाती है और जब बोलती है डोजी को क्या तुम एक टाइम के लिए उठ सकते हो, और टीवी में दिखा देता है वो भी उठ जाता है, और टीवी में दिखा देता है डोजी का वो पैंट काट देती है और इधर डोजी शर्मा रहा था और जब बोलने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो, और टीवी में दिखा देता है अकीदा उसे थकने लगता है। और फिर हमें दिखा देता है डोजी को वो बोलने लगती है हम लोग कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, और टीवी में दिखाया जाता है अकीरा के कपड़े भी वो लोग फाड़ देते हैं और इधर डोजी उसके कपड़ों के अंदर चला जाता है, और जब वो बोलने लगती है यानी कि नाचो भी बोलने लगती है तुम्हें अब ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये अकीरा चाहती थी तुम्हारे साथ, और इधर में दिखा देता है टाइम खत्म हो जाता है जहाँ पर नाचो भी बोल लेती है कि सारे लोगों को कि डोजी अपने रूम पर चला जाता है और इधर वो कुछ रेस करना चाहता था। फिर इधर में सारे लोग बोलने लगते हैं तो हम भी लंच करने के लिए चले जाते हैं। फिर इधर में दिखा देता है तभी सारे लोग जब जाते हैं और तभी स्विमिंग कोट के अंदर से ही डोजी और अकीरा बाहर आ जाते हैं और इधर वो लोग एक कपड़े के अंदर ही थे, और इधर में दिखाया जाता है डोजी पूरा मजा ले रहा था, ऐसा मजा तुम लोगों को क्यों नहीं मिलता, यानी मुझे भी क्यों नहीं मिलता मुझे भी नहीं पता। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नाचो भी आ जाती है और इधर वो भी करना चाहती थी, और इधर डोजी एक अलग सा स्माइल लेता है और जब वो सोचने लगता है मैं आज उन दोनों को पी लूंगा। फिर इधर हमें दिखाया जाता है जो लड़की जीती थी उसके साथ ही डोजी आज रात को मचाएगा। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग डायरी की बाहर ही यानी स्कूल के बाहर ही तैयारी करने लगते हैं। फिर जब दिखा जाए स्कूल के अंदर का सीन जहाँ पर डोजी अपने रूम पर चला आता है और जब वो दोनों के साथ यानी दो लड़कियाँ और ले आता है और जब वो उसके साथ भी करने लगता है। फिर जब हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन जहाँ पर डोजी लड़के को सूज करने लगता है और जब वो एक लड़के को सूज करके वहाँ से चला जाता है, और इधर हमें पता चलता है कि डोजी का लाइफ बहुत ही मस्त चल रहा है और इधर डोजी को भी ये सब लाइफ पसंद आ रही है। फिर इधर मेरे से वो एक अच्छा स्माइल लेते हुए वहाँ से चला जाता है, और इधर रात का सीन होता है जहाँ पर वो लड़की आ जाती है डोजी के रूम पर, और इधर हमें दिखाया जाता है जब वो डोजी को बुलाती है और तभी डोजी जब दरवाज़ा खोलता है तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही नर्वस थी, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है ओ तुम बहुत ही एक्साइटेड हो गए, और टीवी हमें दिखाया जाए वो अंदर चली आती है जहाँ पर हमें दिखाया जाए वही येलो कैप वाली लड़की का सीन जहाँ पर उसने ही उसे बुली किया था, यानी 5 साल पहले डोजी को बुली किया था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, इसी वजह से डोजी ने उसे पेट बनाकर अपने घर पर ही रखा है यानी रूम के अंदर ही रखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की आकर बोलने लगती है ये लड़की कौन है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगते हैं इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो क्योंकि ये एक पेड है, लेकिन तभी हमें दिखाया वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाए ये बात सुनकर, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डोजी उसके पास आ जाता है और इधर वो बहुत गुस्से से बोलने लगता है 5 साल के पहले का बात कुछ अलग था लेकिन अब कुछ और है। और टीवी में दिखाया जाए वो उस लड़के को एक धक्का लगा देता है अपने बिस्तर के ओर और इधर वो उसके ऊपर आ जाता है और इधर बोलता है तो आओ हम लोग करते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है वो उसके साथ कुछ करने लगता है। फिर इधर में दिखाया जाता है आज तो डोजी का ही दिन था इसी वजह से वो पूरा ही देने लगता है उसे, और इधर में दिखाया जाता है वही लड़के का सीन जहाँ पर वो उसे देखकर गुस्सा हो रही थी, और इधर रातों रात यानी पूरी रात डोजी ने फुल कर लिया है। फिर इधर में दिखाया जाता है रात में कुछ आवाज़ आती है तभी डोजी देखता है उस लड़की को जहाँ पर वो ड्रग्स एडिक्टेशन के वजह से उसे कुछ खोने लगा था, और इधर डोजी बोलने लगता है ओ तुम ड्रग्स एडिक्टेड हो ना तो तुम्हें ये मेडिसिन चाहिए, और तभी हमें दिखाया जाए वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जब वो बोलने लगती है ये मुझे दे दो प्लीज़ मुझे दे दो, और इधर हमें दिखाया जाए वो उसके पास चली जाती है जहाँ पर डोजी उस मेडिसिन को अपने मुँह पर ले लेता है। तभी हमें दिखाया जाए वो लड़की ये सब देखते हुए उसके पास चली आती है, लेकिन इधर डोजी उसे किस करके उसे वो खिला देता है, और तभी हमें दिखाया जाए वो सोचने लगती है यानी
बहुत ही शर्मिंदे हुए सोचने लगते ये सारी बातों को। ट्विटर में हमें दिखाया जाता है और जब हमें दिखाया जाए वो लड़की थोड़ी थोड़ी रोने भी लगी थी। और जब हमें उसके बाद वाला उनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रितो और उसके साथ वो तीनों ही एक साथ ही ट्रिप पर जा रहे थे और इधर आई थिंक वो लोग रिसर्च के लिए ही सोच रहे थे। और जब हमें दिखाया जाता है रितो सोचने लगता है जहाँ पर तो एरिस के बारे में सोच रहा था जहाँ पर उसने बोला था कि ये पूरा वर्ल्ड ही झूठी है क्योंकि इन सबके ऊपर विश्वास करना ही भूल है क्योंकि वो सभी कुछ छुपा रहे हैं और ये सभी आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं तो हमें इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। और ये बड़ी एपिसोड एंड हो जाता है जहाँ पर जो सोच रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही और हमें पता चलता है कि इस वाला वीडियो का कोड है तुम लोग क्या लिखना है सोचो 1002 यानी कि जो लोगों ने क्लास तक देखा है उसके लिए मुझे थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर और मैं एग्जाम की वजह से ये वीडियो लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है तो मुझे माफ करना लेकिन ऐसा तो करना ही पड़ेगा। फिर मेरा एग्जाम सोमवार को एंड होने वाला है तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर जो कि जल्दी ही आने वाला है यानी हर वीक आता है तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर।